Assalamu alaikum everyone and welcome back to another brand new video of M4 Mobiles and this is Ibtiyaj Iqbal. और भैया टेक्नो ने अपना एक न्यू फोन लॉन्च करने का फैसला किया है और उस सीरीज का नाम आने वाला टेक्नो कैमन 16 जो कि काफी तबाही के स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और यहाँ पे आपको एक गेमिंग चिपसेट दी जा रही है तो मतलब ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी तबाही की है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम स्पेसिफिकेशन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। स्टार्ट लेते इसके डिस्प्ले से। इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.9 इंच का IPS डिस्प्ले। और बात कर लेते इसके बैक साइड की, तो इसकी जो बैक साइड है वो प्लास्टिक की है। अगर ग्लास की हो जाती तो और भी अच्छा हो जाता, लेकिन बहरहाल ये भी चल जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते कैमरा सेटअप की, तो बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें जो मेन सेंसर होगा वो होगा 64 मेगापिक्सल का और वो शायद सैमसंग का हो सकता है। और इसके अलावा फ्रंट में आपको डुअल पंच होल मिलेगा और फ्रंट कैमरा जो होगा इसका सेल्फी शूटर वो होगा 48 मेगापिक्सल का और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा। तो मतलब कैमरा वाइज देखा जाए तो काफी तबाही का फोन है। तो ऐसे आपने रिसेंटली एक खबर सुनी होगी इन्फिनिक्स 08 के हवाले से, तो वो भी काफी तबाही का फोन है। उसमें स्पेसिफिकेशन है मतलब इसकी और उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही मतलब 90% मिलती जुलती है, लेकिन प्राइस में शायद थोड़ा बहुत फर्क आ जाए लेकिन इतना भी नहीं होगा। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं रैम और मेमोरी की तरफ। तो अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली आ सकी रैम और मेमोरी के हवाले से, लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भैया इसकी जो रैम होगी वो होगी 8GB की और इंटरनल स्टोरेज जो होगी वो होगी 128GB की। में भी कुछ चेंजेस वगैरह आ जाएँ लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। उसके अलावा बात कर लेते बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग तो ठीक है, मतलब अच्छी खासी आपको चार्जिंग दे रहे हैं, लेकिन बैटरी जो है वो मतलब कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर 4500 mAh की बैटरी है तो मतलब इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही कम मोबाइल होते हैं जिसमें इतनी बैटरी होती है। मतलब 5000 या 5500 mAh देते तो कुछ बेहतर हो जाता। उसके अलावा आपको यहाँ पे टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल रही है, 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल रहा है और डुअल सिम सपोर्टेड है और SD कार्ड भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी मतलब जगह मौजूद है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट की, तो बैक में आपको तो कोई मतलब निशान नज़र नहीं आ रहा होगा फिंगरप्रिंट का। तो बेसिकली इसका फिंगरप्रिंट जो होगा शायद मेरे ख्याल से साइड माउंटेड हो, यानी जहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन होता है वहीं पर ही कहीं एडजस्ट करके लगा देंगे फिंगरप्रिंट। और इसका जो एंड्रॉइड वर्जन होगा वो होगा 10 आउट ऑफ द बॉक्स। और मतलब ये तो कुछ छोटे मोटे फीचर्स में भी उसमें कुछ शायद थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, क्योंकि बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है ये स्पेसिफिकेशन के भैया ये बिल्कुल 100% हो सकती है। मे भी मतलब 90% ठीक है यही स्पेसिफिकेशन होंगी, लेकिन शायद कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह आ जाएँ। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की कि भैया इसकी क्या प्राइस होने वाली पाकिस्तान में। तो अभी तक तो प्राइस वगैरह फाइनल नहीं हो सकी, मतलब मैं पता ना चल सका कि भैया इसकी क्या प्राइस होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकेशंस को देख के इसकी प्राइस हम अंदाजे से हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो प्राइस होगी वो 40,000 के आसपास होगी या नीचे ऊपर हो सकती है। तो मतलब इन्फिनिक्स 08 के देख लें तो उसकी जो प्राइस है मतलब 35,000 बोला गया है, वो कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, शायद 37,000 तक चला जाए। और ये जो है मतलब ये आपको 40 का मिल रहा है, तो मतलब दोनों ही अच्छे हैं यार, कुछ ना कुछ मतलब होगा इन दोनों में फ़र्क, तभी तो प्राइस का इतना डिफरेंस है। इतना भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बहरहाल ये फ़ोन भी काफ़ी तबाही का है, इसमें आपको गेमिंग चिपसेट मिल रही है मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट, तो मतलब काफ़ी तबाही का फ़ोन है। तो मेरी तो आपको यही सजेशन होगी अगर आपका बजट मतलब 35 से 40,000 के दरमियान में है, तो या तो आप इन्फिनिक्स 08 ले लें या फिर टेक्नो कैमन 16 ले लें, जो आपकी मर्जी है, मतलब जो आपको दिल का लगे वही आप ले लें। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।